ऐतिहासिक स्थल को बचाने के लिए जो आंदोलन शुरू किया है, इसको कितना वक्त हो गया है? 17 तारीख को हमने 17 फरवरी को शुरू किया है और हर दिन 5, 10, 11 संगठना यहाँ आती है। आज भी रिपब्लिकन जन आंदोलन प्राध्यापक प्रेमरत्न चौधरी के सब स्टूडेंट है, वो पूरी संगठना मुंबई में पहली और महाराष्ट्र में उन्होंने हमको सपोर्ट किया है और ये आज से आंदोलन और बहुत बड़ा हो जाएगा। सर, आपने इसको लेके कहीं कोर्ट में पिटीशन दाखिल की है इसके लिए, इसके खिलाफ? कोर्ट में पिटीशन डाला नहीं हमने, क्योंकि सामने ऐसा आया है कि जो मैं जमीन का थोड़ा बहुत जानता हूँ, इसका बेसिक रिकॉर्ड बनाया नहीं गया है। ये विमानतल में भी फसवणूक कैसा है कि जिलाधिकारी ने इसका पंचनामा करना चाहिए, अभी तक किसी ने किया नहीं। और ऐसे हम कोर्ट में जाते हैं तो हमारे खिलाफ सब कागज है, वो खिलाफ जा सकती है। इसके लिए मेरी जो सोच है, बाबा साहब अम्बेडकर ने पहले लोगों को जागरूक किया, पहले आंदोलन किया, जैसे ये रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में लेनी है, यहाँ पानी का आंदोलन झगड़ा हो गया महाड़ में, बाद में कोर्ट में गए, क्योंकि जिनके लिए पानी देना है उनको भी मालूम होना चाहिए किसके लिए कर रहे हैं। मनुस्मृति दहन इधर ही हो गया, जंगल का सत्याग्रह यहाँ चिरनेर में हो गया, जमीन का हक का आंदोलन भी रायगढ़ में हो गया, वैसे लेनी का आंदोलन अभी शुरुआत हो रहा है। लेकिन लेनी किस लिए चाहिए भी बताना जरूरी है। हम लोगों का पहले प्रबोधन कर रहे हैं, 17 तारीख से शुरू है, अभी सब हमारे प्रोफेसर लोग भी आ रहे हैं, मीडिया के ऊपर चर्चा होगी, उधर चिंतन चालू है हर दिन, और उसके बाद हम कोर्ट में भी जाएंगे। लेकिन पहले कलेक्टर को लाएंगे, ये देख बाबा क्या है, अभी तक इधर आया नहीं तू, इधर पैसा मिलता है 7-12 में जमीन का खरीदी बिक्री होता है, वहाँ दौड़ के जाता है तू, इधर क्यों नहीं आ रहे? तो ये कलेक्टर का काम है। तो सर, इसके लिए आपने कलेक्टर को कोई पत्र लिखा है? कलेक्टर को पत्र लिखा है, कलेक्टर ने तहसील को ऑर्डर किया, लेकिन उन्होंने सब पेपर गायब किया है। पहले तो झूठा पेपर बनवाया था, ये बौद्ध लेनी है सबको मालूम है, लेकिन वो बोलता है ये पांडव लेनी है, ऐसा उन्होंने पंचनामा किया था, मैं चिल्लाया, उसके बाद उन्होंने वो पंचनामा ही गायब कर दिया। तो ऐसे प्रकार चालू है। अभी भी हम कलेक्टर को ही पत्र लिख रहे हैं, मुख्यमंत्री को बोल रहे हैं, महसूल के जितने अधिकारी यहाँ आना चाहिए, पुरातत्व विभाग में आना चाहिए, पुरातत्व का कानून सेंटर का कानून है, नरेंद्र मोदी साहब को भी इधर आना पड़ेगा, क्योंकि वो भी विदेश में जाते हैं पैसा मांगने के लिए लेनियों के नाम पे, और इधर तोड़ रहे हैं। जी, हमने कई बार सुना है कि उन्होंने विदेशों में जाके बौद्ध धर्म की बहुत तारीफ की है और पैसा भी मांगा है, क्योंकि हम बुद्ध के देश है, हमको मदद करो, लेकिन बुद्ध का जो विचार है उसको आप तोड़ रहे हैं, ये गलत है ना। तो आपने इसके लिए मतलब यहाँ के मुख्यमंत्री से मिलने, अभी सरकार बदल चुकी है यहाँ की, तो अभी अधिवेशन शुरू है 24 तारीख को, इसके लिए अपना आंदोलन चालू है। मैं ये मीडिया के माध्यम से मुख्यमंत्री साहब को बोल रहा हूँ कि रायगढ़ किला है उसके लिए आप 500 करोड़ रुपये दे रहे हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज को रायगढ़ जो रायगढ़ किला है उसके नीचे जाएंगे तो बुद्धिस्ट केव्स है, उधर का पानी है बुद्ध के सम्राट अशोक के काल से है, और वो खाड़ी जो है महाड़ की वहाँ भी गांधार पाले लेनी है, तो वो बुद्ध का ही अंश है, तो रायगढ़ किला का सुरक्षा और संवर्धन आप करते हैं तो ये लेने के लिए 500 करोड़ क्यों नहीं दे रहे? वो तोड़ने के लिए 1800 करोड़ दिया है इधर कॉन्ट्रैक्टर को और ठेकेदार को मशीन लगा रहे हर दिन, ये कौन सी बात है, कौन सा न्याय है? सर, आप जहाँ पे आंदोलन के लिए बैठे हुए हैं वो जगह सिडको की है, मतलब सिडको का ऑफिस के सामने है, तो अभी तक सिडको के अधिकारी ने मिलने की कोशिश करी आपसे? क्योंकि आपने उनके अधिकारी को मालूम है राजाराम पाटिल कौन है, 17 तारीख का आंदोलन था, उन्होंने 13 तारीख को मुझे बुलाया, मैं बोला आपने इधर पंचनामा नहीं किया, सर्वे ही नहीं किया, जमीन ले रहे ताबे में, ये चोरी कर रहे हैं आप, और चोर के सामने मैं बात नहीं करेगा, मैं सीधी मुख्यमंत्री या महसूल मंत्री से बात करूंगा, क्योंकि आप हमको न्याय नहीं दे सकते, क्योंकि हमारे 1000 लोग घर के वजह से वंचित है, कोली समाज को 1 रुपया नहीं दिया, ये कौन सा भूसंपादन है? तो ये सब बातें अधिकारी लोग छुपा रहे हैं, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ मुख्यमंत्री ने खुद इधर आना चाहिए और बोलना चाहिए हमारे देश की ये धरोहर मतलब सांस्कृतिक ठेवा है, उसका जतन करना मुख्यमंत्री का काम है और पंतप्रधान लोगों का काम है। तो मतलब आपका कहना ये है कि मुख्यमंत्री से आप बातचीत करना चाहते हैं इस मसले को लेकर, जो भी मसला है वो आप बातचीत करके सॉल्व करना चाहते हैं, मतलब लेकिन उसके लिए उतने बड़े अधिकारी चाहिए। जो गरीब लोगों का घरपट्टी 2006 का नहीं मान रहे हैं, वो बोल रहे हैं 2006 का घरपट्टी झूठा, उनको हम घर नहीं देंगे, SC ST लोगों का सर्वे नहीं कर रहे हैं, ये अधिकारी चोर है, उनके सामने लेनियों का बात मैं कैसा करेगा? उसके लिए उतना जिम्मेदार आदमी चाहिए, ये ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि अभी भी जो आंदोलन चालू है 39 डेज चला, उसमें हमारे जो लोग थे उन्होंने उपोषण किया, लेकिन उन्होंने न्याय दिया नहीं, क्योंकि ये जमीन जबरदस्ती करके ले रहे हैं।
और ये बहुत बड़ा अत्याचार है एयरपोर्ट में।